दुष्यंत सिंह का वो ब्यौरा आपके समक्ष, जो पिछले 5 वर्षों के अंदर दुष्यंत सिंह की लोकसभा के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है उस आधार पर कितना सफल और कितना असफल ये कालखंड रहा, ये बात पूरे झालावाड़ जिले को जानना आवश्यक है। आज तक चाहे वो 15वीं लोकसभा हो या 14वीं लोकसभा, इसका कोई हिसाब किताब दुष्यंत ने या इसकी मां वसुंधरा राजे सिंधिया ने झालावाड़ की जनता को नहीं दिया। वोट लेने तो आ जाते हैं ये लोग। आज मैं प्रस्तुत करता हूं वो ब्यौरा जिसके अंदर इसकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस 279 ये रैंकिंग मिली है और 38.58% इनको रेटिंग मिली है। इसी आधार पर लोकसभा के अंदर इनकी परफॉर्मेंस रही वो इतनी घटिया रही कि 286 इनको रैंकिंग मिली है और 23.37% ये इनकी रेटिंग है, जिस आधार पर ये माना जाए कि झालावाड़ सांसद पिछले 5 वर्षों में लोकसभा के अंदर जाकर के सोया करता था, झालावाड़ का क्या प्रतिनिधित्व करेगा जिसने झालावाड़ के लोगों से वोट लेकर के झालावाड़ के युवाओं, झालावाड़ के किसानों और झालावाड़ की महिलाओं को उनके जो ऐसे अधिकार थे उनके ऊपर कुठाराघात किया। पहले साल के अंदर जहां 400 प्रश्न पूछे जाने थे मात्र 77 प्रश्न पूछे, दूसरे साल में ऐसे अगर पूरा मैं आकलन करके बताऊं तो 1605 प्रश्न इनको पूछे जाने थे जिसमें से 252 प्रश्न मात्र इन्होंने पूछे और इसका जवाब क्या आया ये कोई नहीं जानता, और इसी कारण से इनको 112वीं रेटिंग मिली है। डिबेट जो मंचों के ऊपर बोल नहीं सकता, जो मीडिया के सामने बोल नहीं सकता, जो युवाओं की महिलाओं की बात को रख नहीं सकता, वो किस प्रकार से डिबेट के अंदर भाग लेगा जहां लोकसभा के अंदर 32,351 लोगों ने पूरी लोकसभा के कालखंड के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिया हो। हम मात्र 35 डिबेट के अंदर हमारा सांसद भाग ले रहा है झालावाड़ वालों, ये सोचने का विषय है आपके लिए। प्राइवेट बिल जिनको प्रस्तुत करने का अधिकार होता है 7 प्राइवेट बिल, उसमें एक प्राइवेट बिल पिछले 5 साल के अंदर दुष्यंत सिंह ने प्रस्तुत किया, और इसी आधार पर जो इनका ऐसा बजट पिछले 5 सालों का बनता है उस बजट के आधार पर 25 करोड़ रुपए की राशि प्रत्येक सांसद को दी जाती है और हमारा सांसद 17 करोड़ रुपए के लगभग खर्च करता है। ये क्या स्थिति बन रखी है झालावाड़ की, और इसी कारण से झालावाड़ के अंदर जो विकास कार्यों की गणना ये करते हैं उसमें कितना भ्रष्टाचार है हम लगातार उजागर कर रहे हैं। लोग जागृत हो चुके हैं और इस बात को लेकर के ये प्रमाण है दुष्यंत सिंह की असफलता का, दुष्यंत सिंह की अक्रमणीयता का, दुष्यंत सिंह के चुप रहने का, दुष्यंत सिंह का झालावाड़ के साथ धोखा करने का ये प्रमाण है कि उन्होंने जब इस बार 15 सालों से सांसद चुनकर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस बार भी अपनी परिपक्वता का परिचय नहीं दे पाया तो पहली बार जब संसद के अंदर गया होगा और दूसरी बार जब संसद में गया होगा तो क्या उसने झालावाड़ का विषय वहां पर रखा होगा, ये सोचने वाली बात है।